सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो है एमएनएस 2022 के लिए प्रिपेयर कर रही बच्चों के लिए। तो आपके बहुत से नोटिस और ईमेल्स के बाद अभी आपको न्यूज़पेपर की कटिंग देखने को मिल रही होगी, जहाँ पे बताया गया है कि जो आपके आवेदन हैं वो 11 मई से 31 मई तक होंगे। तो बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि पहले तो बोल दिया है कि नीट के थ्रू होगा, तो नीट का फॉर्म भर दिया, तो साथ में आपको ये फॉर्म भी भरना होगा। बिकॉज नीट के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, वहाँ पे बच्चे जो सेलेक्ट होंगे वो यही बच्चे सेलेक्ट होंगे जिन्होंने ये फॉर्म भी भरा होगा। तो इस फॉर्म में क्लियर अभी नहीं बताया रखा है कि इस फॉर्म की फ़ीस होगी या नहीं होगी, तो ये आपको पता चल जाएगा 7 मई को। कि बिकॉज 7 मई को वहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी टर्म एंड कंडीशन देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पर बता दीजिएगा कि फॉर्म की फ़ी कितनी होगी। फॉर्म या तो सेम फी होगी या अलग से होगी। तो जिन बच्चों ने नीट का फॉर्म भर दिया तो कोई डरे नहीं, क्योंकि नीट का फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होगा। क्या पता वो आपका एप्लीकेशन नंबर लेके ही कन्फर्म कर दें कि हाँ आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो अभी कोई डरने की बात नहीं है। एंड बाकी जो बताया गया है कि यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट ओनली फॉर 4 ईयर BSc कोर्सेज 2022। कैंडिडेट हैव मैंडेटरी क्वालिफाइंग नीट UG 2022 फॉर एलिजिबिलिटी टर्म एंड कंडीशन सी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोजगार समाचार ऑफ 7 मई 2022। तो 7 मई 2022 को आपको जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता है, मीन्स जो अलग से पेपर आता है ना रोजगार का, वो देखना है। द सेम विल बी अवेलेबल, न्यूज़पेपर आता है रोजगार समाचार करके, तो वहाँ पे 7 मई को आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि वहाँ पे टर्म और कंडीशन क्या क्या होंगी एंड एलिजिबिलिटी भी। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट बता रही है वो 11 मई से 31 मई तक, मीन्स कितना हो गया 20 डेज़ आपके पास होंगे। 20 डेज़ में आपको फॉर्म फिल करना होगा, और क्या पता फॉर्म फीस ना हो, फीस हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो ये क्लियर नहीं किया है। तो एलिजिबिलिटी टर्म कंडीशन सब 7 तारीख को पता चल जाएगा। एंड जो नीट के फॉर्म है वो 6 मई तक हैं, तो दैट्स मीन आपको अलग से भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। और क्या पता जो नीट NTA है वो आपके जो डेट है उसको एक्सटेंड भी कर दे। तो अभी अगर आपने नीट का फॉर्म भर दिया तो वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं भरा तो भर दीजिए। और 11 मई से 31 मई के बीच में आपको वहाँ पे जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पे एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिट करनी है, और फ़ी भी होगी तो फ़ी भी फिल करनी पड़ेगी। सो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज अभी 2.5 मंथ ही है, एंड इस 2.5 मंथ में सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने कहाँ से कोचिंग की है वो कोई डिपेंड नहीं करता, जो आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितने टेस्ट दे रहे हो, वो चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होएगा या नहीं होगा।